नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VR एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थितियां होती है जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव होता है तथा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कई बार ये लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तथा नौबत हाथापाई पर आ जाती है, तो ऐसे दुर्योगों की हम बात करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। अब आते हैं हम हमारे विषय पर। देखिए दोस्तों, कुंडली में सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है, पति पत्नी और वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। एक खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली में सप्तमेश यानी सप्तम भाव के मालिक और शुक्र तथा गुरु का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सप्तमेश, शुक्र और गुरु, ये तीनों जब शुभ स्थिति में होते हैं तभी वैवाहिक जीवन मधुर रहता है। अगर ये पीड़ित होंगे तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां अवश्य आती है। दोस्तों, अब हम उन स्थितियों की बात करते हैं जिससे पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। पहली स्थिति की बात करें तो यदि कुंडली में सप्तमेश नीच राशि में बैठा हो या फिर सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह बैठे हों जो कि नीच राशि के हो, तो यह स्थिति बहुत ही ख़राब है। आपको आपकी कुंडली में देखना होगा कि सप्तमेश कौन से ग्रह बनते हैं। अगर वो नीच राशि में बैठे हैं या फिर सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह जैसे कि मंगल, शनि, राहु, इनमें से कोई नीच राशि में बैठा है तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति होती है। ऐसे देखने को आया है कि ऐसे में पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और वैवाहिक जीवन में प्रेम का अभाव होता है तथा तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी स्थिति की बात करें दोस्तों, तो यदि कुंडली में सप्तम भाव में कोई दुर्योग बन रहा हो जैसे कि गुरु राहु का चांडाल योग, मंगल राहु का अंगारक योग या सूर्य राहु तथा चंद्र राहु का ग्रहण योग, इनमें से कोई भी दुर्योग अगर आपके सप्तम भाव में बन रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती है तथा पति पत्नी में वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये वाद विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि पति पत्नी में दूरियाँ आने लगती है। तीसरी स्थिति की बात करें तो अगर कुंडली में द्वितीय भाव यानी कुंडली में दूसरा भाव हमारे कुटुंब का होता है और कुंडली का अष्टम भाव ये हमारे वैवाहिक सुख को भी दिखाता है। पति या पत्नी से मिलने वाले सुख को अष्टम भाव से विचार करते हैं। अगर कुंडली में द्वितीय भाव और अष्टम भाव में चंद्र या मंगल हो तथा राहु का संबंध इन दोनों से होता हो तो ये स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती है। इसमें तो पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तथा हाथापाई भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई पति अपनी पत्नियों पर हाथ उठा देते हैं। ऐसी स्थिति तभी बनती है जब ये दुर्योग उनकी कुंडली में निर्मित होता है। अगर द्वितीय भाव और अष्टम भाव में चंद्र मंगल उपस्थित हों तथा राहु का किसी भी प्रकार से उनसे संबंध बनता हो तो यह पति पत्नी के बीच हाथापाई भी करवा देते हैं। यह स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बात करें अगली स्थिति की, तो सप्तम भाव के दोनों तरफ पापी ग्रह उपस्थित हो यानी सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में हो तो ये वैवाहिक जीवन में बहुत ही लड़ाई झगड़े कराता है। कुंडली में प्रबल मांगलिक योग होना भी जीवन में परेशानियां देता है। मांगलिक योग का अगर उपाय नहीं किया जाता है तो भी पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है और आपके पति पत्नी के बीच वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही है, अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको कुछ उपाय हम बता रहे हैं। जैसे कि 11 गोमती चक्रों को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर इस डिब्बी को घर में किसी साफ जगह पर रखें। इससे मतभेद दूर होंगे और आपके वैवाहिक जीवन में एक प्रेम का माहौल बनेगा, आपका वैवाहिक जीवन मधुर बनेगा। अगले उपाय की बात करें तो सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह उपस्थित हो
तो उसका आपको दान जरूर करना चाहिए, इससे भी वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। तीसरा उपाय, ये बहुत ही कारगर है, जैसे स्त्री को गुरुवार का व्रत करना चाहिए और किसी भी देवी के मंदिर में जाकर देवी माँ को सिंदूर अर्पित करना चाहिए, साथ ही साथ 5 सुहागिनों को भी सिंदूर उपहार स्वरूप देना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अगर दोस्तों आप ये उपाय करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको ज़रूर उपायों को करना चाहिए। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत